लक्षद्वीप भारत के अरेबियन सी में सिचुएटेड एक सुंदर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लक्षद्वीप में कुल 36 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 10 इनहैबिटेड हैं, यानी कि लोग रहते हैं। यहां 12 अटॉल्स और 3 रीफ हैं। लक्षद्वीप भारत का स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, जिसका क्षेत्रफल 32 स्क्वायर किलोमीटर का है। यहां की कैपिटल सिटी है कावाराटी और सबसे बड़ा शहर है एंड्रॉइड। इसका एयरपोर्ट है अगाटी आइलैंड पर। लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम और यहां पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली नेटिव लैंग्वेज है जेसरी, जो मलयालम का ही डायलेक्ट है। सेंसस 2011 के अनुसार लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट है 91.85% और जेंडर रेशियो है 946। ये केरला के कोची शहर से 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लक्षद्वीप के सारे आइलैंड एक सिंगल इंडियन डिस्ट्रिक्ट है। एज पर आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये गवर्न होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा। ये एडमिनिस्ट्रेशन भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। करंट में वहां के एडमिनिस्ट्रेटर हैं मिस्टर प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप केरला हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है। वहीं लक्षद्वीप को एक लोकसभा सीट अलोकेट किया गया है। लक्षद्वीप की इतिहास की बात करूं तो वहां के लोगों का मानना है कि पहली बार वहां सेटलमेंट शुरू की गई थी बाय द लास्ट किंग ऑफ केरला, जिनका नाम था चेरामन पेरुमन। 6th century BC में बुद्धिस्ट जातकर स्टोरीज में लक्षद्वीप का विवरण मिलता है। 7th century BC में इस्लाम का आगमन लक्षद्वीप पर होता है। मध्यकालीन भारत में चोलास और चेरास का साम्राज्य लक्षद्वीप पर होता है। 1498 में पोर्चुगीज भी लक्षद्वीप के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, लेकिन 1545 में लक्षद्वीप के बाशिंदे पोर्चुगीज को बाहर निकाल देते हैं। 1783 में टीपू सुल्तान के सल्तनत के अंतर्गत लक्षद्वीप आ जाती है, लेकिन 1799 में जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान हार जाते हैं तो लक्षद्वीप अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाती है। आजादी के बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है और लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया जाता है और 1973 में इस आइलैंड को नाम दिया जाता है लक्षद्वीप। ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात करें तो 9 डिग्री चैनल सेपरेट करती है लक्षद्वीप फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड, वहीं 8 डिग्री चैनल सेपरेट करती है मिनिकॉय आइलैंड फ्रॉम मालदीव्स। लक्षद्वीप के कल्चर का अपना ही एक अलग सौंदर्य है। वहां शादियों में एक फोक सॉन्ग गाया जाता है जिसका नाम है ओपना, और वहां दो तरह के ट्रेडिशनल फोक डांस भी होते हैं, एक कोलकली और एक परिचा कली। परिचा कली वहां के लोकल मार्शल आर्ट को रिफ्लेक्ट करती है और ये डांस ज्यादातर रिलीजियस और सोशल गैदरिंग्स में किया जाता है। इंडियन आइलैंड लक्षद्वीप अपने यूनिक कल्चर और सीनिक नेचुरल ब्यूटी, फ्लोरा एंड फौना के लिए जाना जाता है। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।